पहला फॉर्मूला जो आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट में नोट करेंगे वो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। ये पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें प्लीज। दूसरा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट में हम ऐसा कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई इंटू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू एरिया, एरिया बाहर आ गया तो क्या बना, डी बाय डी टी। तो दूसरा फॉर्मूला नोट करें डिस्प्लेसमेंट करंट का, पहला फॉर्मूला ये है, ये पहला फॉर्मूला है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का ये दूसरा फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, और डिस्प्लेसमेंट करंट का दूसरा फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए डी बाय डी टी। कोई भी यूज करेंगे तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, अगर डी बाई डी टी की बने तो ये फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूला। वैसे अगर ये फॉर्मूला भूल भी गए तो बना सकते हो। तीसरा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं डी वी बाई डी आर में, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। तो यहाँ से डी बाहर आ गया तो आपके पास क्या बना, डी वी बाई डी टी, और लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, कैपेसिटर। तो तीसरा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का ये लिखें, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूला इसके नोट करें। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर वन देखिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। इट इज बीइंग चार्ज्ड सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स राइजेस स्टेडली एट अ रेट ऑफ 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। पहचान करो वोल्ट पर मीटर क्या होता है, डी वी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर सेकेंड। तो ये क्या गिवन है, डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी गिवन है। आपको इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको ये नोट करवाया था अभी, डी बाई डी टी की फॉर्म में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बाई डी टी, यही है। सर्कुलर प्लेट है तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में आर पता है, डी बाई डी टी पता है आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड। क्या क्वेश्चन है, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस गिवन इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ गिवन। तो डी वी बाई डी टी गिवन है। डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल लो, सी आपको पता है, ये करने की जरूरत क्या है, सीधा फॉर्म लगाओ ना, सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो सी पता है, डी वी बाई डी टी पता है, आंसर क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया आपको गिवन है एंड प्लेट की सेपरेशन भी आपको गिवन है, तो एरिया गिवन है, प्लेट की सेपरेशन गिवन है, इज चार्ज्ड इनिशियली टू 80 माइक्रोकूलम। तो हमने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स नियर बाय, आस पास ना रेडियो एक्टिविटी हो रखी थी, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स गेट्स स्लाइटली कंडक्टिंग एंड द प्लेट लूजेज चार्ज इनिशियली एट अ रेट ऑफ गिवन। अब जो मीडियम है प्लेट्स के अंदर वो कंडक्टिंग बन गया। अब ये सुनने में अजीब है बट अब है तो है, मतलब नॉर्मली प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में तो वैक्यूम होता है, कुछ भी नहीं होता, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन उड़ के तो आते नहीं यहाँ से यहाँ, पर यहाँ पर मीडियम कंडक्टिंग हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रेवल करके पॉजिटिव तक जाएंगे और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही हो गया। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि ये dq by dt गिवन है, किस रेट से चार्ज लूज कर रहा है वो प्लेट, ये आपको गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कह रहा है अगर आप यहाँ करंट पास कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। उल्टा इसलिए होगा क्योंकि कंडक्टिंग मटीरियल की वजह से करंट उल्टा ट्रेवल करेगा और नेट करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना आप चार्ज करोगे उतना ही वो डिस्चार्ज होता जा रहा है और अल्टीमेटली जीरो ही आना है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। तो जितना आप कंडक्शन करंट पास करेंगे डिस्प्लेसमेंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन उतना ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डीई बाय डीटी। तो ई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट बाय चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट। यहां से एरिया एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्या बचा, डीक्यू बाय डीटी। आपको क्वेश्चन में एरिया से एरिया ये सब कैंसिल, तो क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, जो भी आपको ये डी क्यू बाई डी टी गिवन था डिस्प्लेसमेंट करंट यही था, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ज लीक हो रहा है उसी हिसाब से चार्ज आ भी रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का मतलब एग्जैक्टली सेम है, तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया यहाँ तक कि डी क्यू बाई डी टी तो वापस आई करंट ही दे रहा है आपको। तो जिस हिसाब से चार्ज लीक हो रहा था वही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, पर इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके कंडक्शन करंट के इस बार ऑपोजिट है। तो टोटल करंट बी डॉट डी एल में ये दोनों आपस में कैंसिल करके नेट आंसर क्या देंगे, जीरो। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या आंसर देगी, जीरो। तो पूछेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितने है? आप आंसर बोलेंगे जीरो। ठीक, ये करने की जरूरत नहीं है, ये एम्पियर सर्किट लॉ की जो है एप्लीकेशन है। एक्सिलेंड्रिकल वायर है, एक वायर में आई करंट है, इसके अंदर बी निकालो बाहर बी निकालो। ACL से हमने एप्लीकेशन नंबर 3 या 4 या 5 में किया था, हमने बी के फॉर्मूलाज भी किए थे, ये करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप क्वेश्चन नंबर, हाँ अब यहाँ सब देखते हैं।